लेके आए हैं। अभी कुछ दिन पहले कहा गया कि हर 5-5 साल में केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग बनाती है। आठवां वेतन आयोग अभी बनने वाला था। आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार ने कहा है कि अब हम आठवां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे। आठवां वेतन आयोग क्यों नहीं, हर 10-10 साल में बनता है, आठवां वेतन आयोग क्यों नहीं बनाएंगे? कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है। केंद्र सरकार के पास अपने केंद्र के कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कहाँ गया केंद्र सरकार का सारा पैसा? ऐसा केंद्र सरकार की इतनी बुरी क्या हालत हो गई है कि केंद्र सरकार के पास अपने अपने कर्मचारियों को जो हर बार बढ़ाया जाता था, वेतन आयोग बिठाया जाता था, वो भी नहीं बिठा रहे। अग्निवीर योजना जब लेके आए तो कहा गया कि अग्निवीर योजना लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सैनिकों का जो पेंशन का खर्चा है, सैनिकों का जो पेंशन का बिल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि केंद्र सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। आज़ादी के बाद से आज तक पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमारे से सैनिकों की पेंशन का बिल बर्दाश्त नहीं कर किया जा रहा। आज तक कभी किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पैसे की कमी पड़ गई है। आज तक किसी सरकार ने ये नहीं कहा कि सैनिकों की पेंशन का पैसा हम नहीं दे पा रहे हैं। सैनिकों को पेंशन दे के हम एहसान नहीं करते, सैनिक हमारे ऊपर एहसान करते हैं जब वो बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दांव पे लगाते हैं। ऐसा क्या हो गया केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार अब सैनिकों के पेंशन की बिल भी, पेंशन सैनिकों का पेंशन भी देने की हालत में नहीं बची है, और उन्होंने उस पेंशन के बिल को ख़त्म करने के लिए अग्निवीर योजना लेके आए हैं। असत्य अरविंद पार्टी का क्या हाल होगा? आप है ना असत्य अरविंद पार्टी, केवल झूठ ही बोलेंगे, असत्य ही बोलेंगे। तीसरा, इन्होंने कहा कि एक पे कमीशन केंद्र सरकार ने कह दिया है कि एट पे कमीशन वह नहीं बनाएगी, और इनका आरोप यह है कि इस सरकार को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी कोई चिंता नहीं। यह आरोप जो है, फिर से मैं कह देता कि समझदारी नहीं है, गलत समझ पाए, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इसी तरह से झूठ बोलते हैं, और झूठ पकड़ा जाता है तो एक माफी का लेटर जेब में तैयार होता है, आते हैं कहते हैं माफ कर दो, गलती हो गई, झूठ निकल गया। क्या ये सत्य नहीं है कि जब ये बात एक पे कमीशन की सामने आई तो उसके साथ केंद्र सरकार ने कहा, हर बार पे कमीशन की रिकमेंडेशंस होती हैं जो लागू होने में समय लगता है और उससे असुविधा होती है जो सरकारी कर्मचारी, तो एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जाएगा जो कि यह सुनिश्चित करेगा कि समय समय पर उसी मॉडल को क्रियान्वित करके वो लाभ जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको मिलता रहे। तो अरविंद केजरीवाल जी, आपने ये बात क्यों कही कि केंद्र सरकार आठवां वेतन आयोग नहीं बनाएंगे? केंद्र सरकार का सारा पैसा कहां गया? अपने कर्मियों को वेतन बढ़ाने की स्थिति में नहीं। आपने बात क्योंकि पैसे की भी करी है तो ये फर्ज बनता है कि आपको कुछ आंकड़े जरूर दूं मैं, और एक एक आंकड़ा जो दूंगा इस चुनौती के साथ दूंगा कि जाके चेक कराइए, वेरीफाई कराइए, सत्य ढूंढिए, और अगर हिम्मत पड़े तो जो मैं प्रश्न यहां से पूछ रहा हूं
उसका 24 घंटे में उत्तर भी दीजिए, और हमारा कोई आंकड़ा अगर गलत हो तो जरूर बताइएगा कि क्यों गलत। मनरेगा